मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे हेलोएरिन के बारे में, जिसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और मेथड ऑफ प्रिपरेशन दोनों पढ़ चुके थे और थोड़ा बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे। आगे आज हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी और पढ़ते हैं, जिसमें पहला है अपचयन। किसकी बात करते हैं? अपचयन की बात करते हैं। आप जान लीजिए, हेलोएरिन में मैंने एक एग्जांपल लिया है क्लोरोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन ही समझ लीजिए। तो क्लोरोबेंजीन का अपचयन कराने पर बेंजीन प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन का अपचयन कराने पर बेंजीन प्राप्त होता है। लेकिन आप जानते हैं अपचयन की क्रिया है क्या? हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन जब जुड़ता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, क्लोरीन मुक्त हो जाएगा, तो क्या HCl के फॉर्म में निकल जाएगा। जैसे हम क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, क्या लेते हैं? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का आप चयन करा दीजिए 2H इन द प्रेजेंस ऑफ, आप कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में भी आप चयन करा सकते हैं। जब आप चयन की प्रोसेस होगी तो हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा और क्लोरीन मुक्त हो जाएगा, हाइड्रोजन लिक्विड रिप्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा? ये बेंजीन प्लस HCl, क्या बन जाएगा? बेंजीन प्लस HCl, अर्थात ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का आप चयन कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेंजीन में। अर्थात आप क्या लिखेंगे कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया का अपचयन की क्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में कराने पर यह हाइड्रोजन जुड़ जाता है और HCl के फॉर्म में निकल जाएगा, जिससे क्लोरोबेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेंजीन में। तो जैसे आपसे पूछा जाए क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाइए, तो आप क्या करेंगे? क्लोरोबेंजीन का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में आप चयन करा देंगे तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? बेंजीन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रीकरण की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? नाइट्रीकरण की। तो आप जान लीजिए कि नाइट्रीकरण HNO3 की उपस्थिति में होता है, सांद्र HNO3 की उपस्थिति में होता है नाइट्रीकरण की प्रोसेस। तो क्या करते हैं? नाइट्रीकरण में क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, क्या लेते हैं? क्लोरोबेंजीन लेते हैं। क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण करा देते हैं किसके? कंसनट्रेट HNO3 के साथ, कंसनट्रेट HNO3 के साथ। तो आपको पता है H2O के फॉर्म में मुक्त हो जाएगा, क्या मुक्त होगा? H2O के फॉर्म में। तो क्या बनाएगा नाइट्रीकरण की प्रोसेस में? क्या बनेगा? यहाँ Cl हो जाएगा, ये NO2 बन गया, प्लस ये क्या बन जाएगा? इसके साथ Cl, और यहाँ क्या हो जाएगा? NO2 हो जाएगा। तो इसे आप क्या कहेंगे? आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, आर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, और ये क्या बनेगा? पैरा क्लोरो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कराते हैं, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन HNO3 की उपस्थिति में कंसनट्रेट HNO3 के साथ नाइट्रीकरण की प्रोसेस में क्या होता है? आर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब ये बात है कि हमें ये नहीं, जैसे किसी को ये भी नहीं पता कि आर्थो क्या होता है, पैरा क्या होता है, मेटा क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे बेंजीन है, बेंजीन में हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कौन सा आर्थो है, कौन सा पैरा है, कौन सा मेटा है। लेकिन यदि कोई भी पोजीशन हो, मान लीजिए ये पोजीशन चूज करते हैं, इस पोजीशन पे कोई हैलाइड लग गया, कोई भी ग्रुप लग गया, तो ग्रुप लगने के बाद आप जान लीजिएगा कि जैसे ये 1 कर देते हैं नंबरिंग, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे हैलाइड जुड़ गया तो अब ये हम नंबरिंग दे सकते हैं कि हैलाइड वाले को फर्स्ट दे दिए। उसके बाद अब ये कुछ लोग सोच रहे हैं कि इधर 2 दिया गया है, इधर क्या 2 दिया जा सकता है? हाँ, दिया जा सकता है। आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे भी कर सकते हैं। तो जो 2 और 6 पोजीशन है ये आर्थो में काउंट की जाएगी। किस में काउंट होगी? आर्थो में। अर्थात ये दोनों पोजीशन किस में चली जाती हैं? आर्थो में चली जाती हैं, जबकि 3 और 5 पोजीशन जो है वो मेटा में जाएंगी। किस में जाएंगी? मेटा में जाएंगी, जबकि एक 4th पोजीशन जो है वो पैरा में चली जाएंगी। किस में जाएंगी? पैरा पोजीशन में। तो आप जान लीजिए कि आर्थो पोजीशन क्या है। जैसे बेंजीन बना हो तो बेंजीन में यदि कुछ नहीं जुड़ा तब हम उसमें आर्थो और पैरा मेटा डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन यदि बेंजीन से कोई भी ग्रुप लग जाए, कोई भी OH लग जाए, Cl लग जाए, Br लग जाए, कुछ भी लग जाए, लगने के बाद आप देखेंगे जो 2 और 6 की पोजीशन आएगी, चाहे इधर से 2 हो जाए, ये 6 हो जाए, तो 2 और 6 की पोजीशन सदैव किस में काउंट की जाएगी? आर्थो में। 3 और 5 की पोजीशन, चाहे ये इधर भी 3 हो सकता है, इधर भी 5 हो सकता है, 3 और 5 की पोजीशन सदैव मेटा में काउंट होगी, और 4 पोजीशन जो होगा पैरा में काउंट होगा। तो आप देख रहे होंगे
जैसे ये वन मान लिए या ये वन मान लिए, तो हम क्लोरीन छोटा ग्रुप है, NO2 बड़ा ग्रुप है, इसलिए हम इसे वहाँ यहाँ से काउंट करते हैं। तो वन टू, तो ये आर्थो क्लोरीन आर्थो पोजिशन पर है, तो आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा और ये पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बना लेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम हेलोजनीकरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हेलोजनीकरण मतलब हेलोजन के साथ अपक्रिया। किसके साथ अपक्रिया? हेलोजन के साथ अपक्रिया, इसकी बात कर लेते हैं। तो आप देखिए क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन को लेते हैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। हेलोजनीकरण की बात करते हैं, नाइट्रीकरण हम पढ़ चुके हैं, किसकी बात करते हैं? हेलोजनीकरण की, हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन की बात कर लेते हैं, हेलोजनीकरण की बात करते हैं। आप इसमें देखिए तो क्या होता है, क्लोरोबेंजीन को लेते हैं, क्या लेते हैं? क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन ले लिए, Cl2 के साथ अभिक्रिया करा दिए। इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 की प्रेजेंस में हम इसे गर्म करेंगे, तो आप जानते हैं कि यहाँ ये सब जगह हाइड्रोजन लगा होता है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन द्वारा क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है और वहाँ क्लोरीन जाके जुड़ जाते हैं, तो क्या बनेगा? Cl, ये Cl हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? Cl, ये भी क्या बन जाएगा? Cl बन जाएगा, क्या मुक्त होगा? माइनस HCl मुक्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे क्या लिखेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2 डाई क्लोरो बेंजीन बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या बन जाएगा? 1, 4 डाई क्लोरो बेंजीन बना लेगा, डाई क्लोरो बेंजीन में परिवर्तित हो जाएगा, प्लस HCl मुक्त हो जाएगा। जैसे हम इसकी नंबरिंग नहीं करेंगे, क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन लिए, क्लोरोबेंजीन का किसके साथ? क्लोरोबेंजीन का Cl2 FeCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं, तो 1, 2 डाई क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। हम नंबरिंग हटा देते हैं, ऐसे ही कर देते हैं, तो 1, 2 डाई क्लोरोबेंजीन हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये आपको समझाने के लिए बताया गया था, तो वो क्या बना लेगा? 1, 4 डाई क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो ये किसके है? हेलोजनीकरण की प्रोसेस है। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं? सल्फोनीकरण की प्रोसेस में। किसकी बात करते हैं? सल्फोनीकरण की। तो आप इतना जान लीजिएगा कि सल्फोनीकरण की प्रोसेस में क्या होता है, आर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है। तो हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन सल्फोनीकरण, क्या है? सल्फोनीकरण है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, क्या लेते हैं? क्लोरोबेंजीन प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये बना लेगा Cl, ये क्या हो जाएगा? SO3H प्लस ये क्या बना लेगा? Cl, ये क्या बन जाएगा? SO3H, अर्थात आर्थो या पैरा दो ही देता है, मेटा पोजीशन पे नहीं देगा, तो H2O, तो क्या बनाएगा? आर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये क्या बना लेगा? पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना लेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना लेगा, ठीक है। क्या करते हैं हम, क्या लेते हैं? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की क्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं, तो जल मुक्त हो जाएगा, और वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आर्थो क्लोरोबेंजीन में सल्फोनिक एसिड में, और पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट में Mg धातु के साथ क्रिया, बहुत पेपर में पूछा जाता है Mg धातु के साथ अभिक्रिया। तो आप जानते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण करता है, चलिए देख लेते हैं, क्या लेते हैं? क्लोरोबेंजीन Mg धातु के साथ क्रिया, इंपॉर्टेंट थी धातु के साथ क्रिया, इसमें क्या करते हैं? Mg धातु के साथ क्रिया में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण भी कह सकते हैं, हम क्या लेते हैं? क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, क्या लेते हैं? क्लोरोबेंजीन हो गया, किसके साथ? Mg धातु के साथ। THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान के साथ कराते हैं, तो क्या बनाएगा? यही जुड़ जाएगा और बनाएगा, क्या बन जाएगा? MgCl, इसे आप कह सकते हैं फेनिल, क्या कह सकते हैं? फेनिल
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड है, क्या है, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड है, अर्थात आप समझ गए होंगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का किसके साथ, एमजी धातु के साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में कराते हैं, याद रखिएगा रीजन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में कराते हैं तो किस में बदल जाता है, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है, ग्रिगनार्ड रीजेंट, ठीक है, ग्रिगनार्ड रीजेंट में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं डीडीटी का निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डीडीटी, किसकी बात करते हैं, डीडीटी का निर्माण क्लोरोबेंजीन से किया जाता है, किसे करते हैं, क्लोरोबेंजीन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, डीडीटी का निर्माण बताइए या क्लोरोबेंजीन का क्लोरल के साथ अभिक्रिया बताइए, तो क्या करते हैं, डीडीटी का निर्माण, या कभी कभी पेपर में आ जाता है क्लोरोबेंजीन की क्लोरल के साथ अभिक्रिया, क्लोरल का सूत्र देखिए CCl3CHO, आप पढ़ चुके होंगे इसे, पढ़े हैं क्लोरोफॉर्म में, क्लोरल, क्लोरल, ठीक है, क्लोरल का क्लोरोबेंजीन के साथ क्रिया कराते हैं, किसके साथ क्रिया कराते हैं, थोड़ा सा हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, ये Cl हो गया, यहाँ ये H हो गया, ठीक है, दो मोल क्लोरोबेंजीन लेते हैं, कितने मोल लेते हैं, दो मोल लेते हैं, ये हो गया Cl और यहाँ हो गया है, ए सिर्फ एक एच को इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि हमें रिएक्शन दिखानी है, तो आप देखे होंगे, देखिए ये इसका O इसके दो एच के साथ किसके फॉर्म में निकल जाएगा, समझा दे रहे हैं आपको, देख लीजिए, समझ लीजिए, H2O के फॉर्म में निकल जाएगा, किसके फॉर्म में निकल जाएगा, H2O के फॉर्म में निकल जाएगा, तो क्या बनाएगा, बनेगा क्या, देखिए थोड़ा सा रिएक्शन इधर लिख दें तो ज़्यादा समझ में आएगा आपके कि कैसे बनता है, कारण क्या है, इधर थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, चलिए देखते हैं, क्लोरल थोड़ा इधर लिखते हैं, तो क्या लिखे हैं, CCl3CHO लिख दिए, क्लोरोबेंजीन लिख दिए, ठीक है, क्या है ये क्लोरोबेंजीन, यहाँ Cl हो गया, यहाँ H हो गया, फिर ये क्या हुआ, ये क्या हो गया Cl, और यहाँ भी क्या हो गया, H हो गया, आप देखिए ये निकल जाएगा H2O के फॉर्म में, ये क्या है, क्लोरल है, और ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, क्या है, क्लोरोबेंजीन है H2O के फॉर्म में, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, किसकी उपस्थित में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थित में H2O निकल जाएगा, क्या मुक्त हुआ, H2O, तो क्या बनाएगा, देखिए CCl3, ठीक है, CHO तो निकल गया, और वो किससे जुड़ गया, बेंजीन से, तो ये बेंजीन बन गया, और यहाँ क्या बन गया, Cl, क्लोरोबेंजीन से जुड़ गया, ये भी क्या बना, बेंजीन बन गया, और यहाँ पर क्या हुआ, ये भी क्या हो गया, Cl हो गया, ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, देखिए DDT, ठीक है, देखते हैं, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन, एक दो कार्बन इथेन, तो क्या लिखते हैं, डाइक्लोरो क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन बनता है, फुल फॉर्म है डीडीटी का, कैसे समझते हैं, देखिए आप, ये दो क्लोरीन है इसलिए डाई, क्लोरीन है इसलिए क्लोरो, ठीक, डाई लगाए, डाई मतलब दो, फेनिल मतलब बेंजीन रिंग, दो है इसलिए डाई फेनिल हो गया, ट्राई मतलब तीन, क्लोरो मतलब क्लोरीन, तीन क्लोरीन हो गया, और दो कार्बन को हम इथेन लेते हैं, तो मतलब डीडीटी का निर्माण कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्लोरल लेते हैं, क्या लेते हैं, क्लोरल CCl3CHO, ठीक है, क्लोरल ले लिए, क्लोरोबेंजीन का दो मोल ले लेते हैं, जैसे ही आप क्लोरोबेंजीन के दो मोल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जैसे गर्म करेंगे H2O के फॉर्म में मुक्त हो जाएगा, किसके फॉर्म में निकलेगा, H2O, आप देख रहे होंगे यही H2O निकला है, H2O निकला तो CCl3 लिख देंगे, CH लिख देंगे, अब ये बंध किससे जुड़ गए, डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन से जुड़ गए, तो क्या बना CCl3CH, ये बेंजीन से जुड़ा, ये बेंजीन से जुड़ा, ये Cl हो गया, ये भी क्या हो गया, Cl हो गया, तो क्या बना, डीडीटी बन गया, जिसे आप क्या कहते हैं, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन बन गया, यह एक कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है, और आप जानते हैं जल विरोधी है, मतलब जल में क्या है, अभिलेय है, परंतु का
कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, तो आप इसका थोड़ा सा जो भी था केमिकल प्रॉपर्टीज बढ़े थोड़ा सा उपयोग देख लेते हैं। तो पहला उपयोग क्या है इसका, हम इसको थोड़ी सी मात्रा इसकी पिक्रिक अम्ल बनाने में भी उपयोग कर सकते हैं। इसका किसके निर्माण में, DDT अर्थात डाइक, सबसे मेन इंपॉर्टेंट निर्माण इसका है DDT का निर्माण करना। कीटनाशक के रूप में, दवाओं के रूप में छिड़काव किए जाते हैं खेतों में, तो DDT के निर्माण में उपयोग करते हैं, अर्थात डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन के निर्माण में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आप देखे होंगे कि आगे मैंने बताया था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो क्लोरोबेंजीन जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज कहां पे है, DDT के निर्माण में। आज की क्लास इतना ही, थैंक यू।